हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूटीआई का मतलब क्या होता है, यूटीआई होने के क्या कारण है और यूटीआई के क्या साइन एंड सिम्टम्स है, और फाइनली मैं आपको यूटीआई पर क्या होम्योपैथिक मैनेजमेंट है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर सद्दाम आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बताने से पहले कुछ नॉर्मल एनाटॉमी बताऊंगा यूरिनरी ट्रैक्ट की, और उसके बाद जो है तो मैं आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिलेटेड बताऊंगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है तो वो डिवाइडेड है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। दोस्तों, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में हम देखेंगे कि जो किडनी है और जो पेल्विक जो है तो रिनल पेल्विस है, ये जो है तो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में आता है। और हम देखेंगे कि लोअर यूरेटर है या यूरेथ्रा है, या जो है वो मेल हो या फीमेल जो है तो ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में आता है। तो दोस्तों, ये कॉमन एनाटॉमी थी यूरिनरी ट्रैक्ट की। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जो मैक्सिमम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे कि इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेपिडोकोकल, इस बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको हम जो है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। दोस्तों, ये तो कॉमनली मैं आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है वो बताया। अब अगर हम इसके कॉजेज देखें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो फर्स्ट बैक्टीरिया है जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, वो है इस ईकोलाई। ठीक है, ईकोलाई जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। इसी के साथ और कुछ बैक्टीरियाज है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोका है, स्टेफिलोकोका है, ये भी जो है तो रिस्पॉन्सिबल है यूटीआई के लिए। कुछ फंगस भी जो है तो रिस्पॉन्सिबल है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। अगर हम देखेंगे कि कोई पर्सन है जिसको डायबिटीज़ मेलिटस है, मतलब डायबिटीज़ की शिकायत है, तो उसके भी अंदर जो है तो मैक्सिमम टाइम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पाया जाता है। दोस्तों, अगर और कॉजेस में हम जाने यूटीआई के लिए, तो किडनी डिसीज़ भी जो है तो बहुत रिस्पॉन्सिबल है यूटीआई के लिए। स्पेशली किडनी स्टोन, रिनल सिस्टम जिसे कहते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि अगर कोई पर्सन है जिसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ही रिकरेंट होता है या बार बार होता है। अगर हम देखेंगे फोर्थ कॉज में, तो प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कॉज है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट मैक्सिमम टाइम 55 एज के बाद होता है, स्पेशली मेल, मतलब ओनली मेल में होता है प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट। ओके, तो प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट मेल में होने के कारण भी जो है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, ये कुछ कॉजेस थे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। अगर हम देखेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये ट्रांसमिटेड भी होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण, जैसे कि अगर मेल या फीमेल है, और मेल अगर फीमेल को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वो कॉन्टैक्ट के जरिए या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए वो मेल को भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉजेस थे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। अब मैं आपको जो है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के बाद की वो बताऊँ। फर्स्ट जो सिम्टम है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के होने के बाद का, वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब आपको बार बार जो है तो लेटरिंग के लिए जाना पड़ता है, बार बार आपको यूरिनेशन के लिए डिज़ायर होता है। और सेकंड जो सिम्टम है वो पेनफुल एंड बर्निंग मिक्चुरेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन होता है या बर्निंग होता है मिक्चुरेशन, मतलब यूरिनेशन के वक्त। थर्ड जो सिम्टम है वो है बहुत अर्जेंसी के साथ मिक्चुरेशन आता है, मतलब आप लाइटली बैठे हुए और आपको एकदम अर्जेंट जो है तो डिज़ायर होगा यूरिनेशन के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे। इसके साथ भी और कुछ सिम्टम है, वो है हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि बर्निंग मिक्चुरेशन प्लस हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स एंड राइगर है तो आपको 100% यूटीआई हुआ है। तो दोस्तों, अब हम अगर नेक्स्ट सिम्टम में देखेंगे तो नौजिया भी होता है मैक्सिमम टाइम यूटीआई के अंदर। इसी के साथ वोमिटिंग का भी
होते हैं यूटीआई के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ कॉमनली फाइंडिंग सिम्टम्स थे जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं आपको क्या होम्योपैथिक मैनेजमेंट है यूटीआई के लिए वो बताऊँगा। जो फर्स्ट मेडिसिन है जो यूटीआई में बहुत ही यूज़फुल है वो है कैंथरिस 30। कैंथरिस बहुत ही यूज़फुल है पेशेंट में जो जिसको बर्निंग मिक्चुरेशन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मिक्चुरेशन में, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, उसी के साथ किसी को अर्जेंट मिक्चुरेशन का डिज़ायर है, और प्लस अगर हिमेचोरिया हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा किडनी स्टोन है पेशेंट को और उसके कारण जो है तो उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो उसको हम कैंथरिस 30 जो है तो 5 डेज़ के लिए सजेस्ट करेंगे। अगर वो एक्यूट फॉर्म में है तो 5 डेज़ में आपको इस तरह से लेना है कि 2 ड्रॉप्स जो है तो हाफ कप वाटर में कैंथरिस 30 के डाइल्यूशन के लेना है 2 times a day। ओके, जो नेक्स्ट मेडिसिन है क्या यूटीआई के लिए वो है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर का नाम आपने किडनी स्टोन के रिलेटेड भी सुना है, उसी तरह अगर कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है जिसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है और उसको जो है तो किडनी स्टोन के बाद उसको यूटीआई हो रहा है जिसे, तो उसको हम बर्बेरिस मदर टिंचर वल्गेरिस का मदर टिंचर जो है तो सजेस्ट करते हैं 5 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर वो 2 times a day फॉर 15 डेज। ओके, तो किडनी स्टोन के पेशेंट है और उसको यूटीआई हुआ तो हम उसको बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर देंगे। दोस्तों इसी के साथ अगर फार्मूलाज में देखा जाए तो R18 रेक्विक का फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, अगर किसी को रिकरेंट यूटीआई होता है तो हम उसको R18 सजेस्ट करते हैं 10 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर फॉर 30 डेज। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थे जो बहुत ही यूजफुल थे यूटीआई के अंदर। अगर आपको और कोई मेडिसिन या और कोई प्रॉब्लम्स है यूटीआई के अंदर तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं। मेरा व्हाट्सएप है नंबर है 9424x0428। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों मुझसे बने रहने के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।